कंजम्पशन कम करो, हर चीज का सफरिंग फुटप्रिंट है। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि आप नीट खा रहे हो उसकी पोस्ट मत शेयर करो, है ना, आपको पता है सफरिंग हो रही है तो कंजम्पशन क्यों बढ़ानी, वो कर लो कपड़े पुराने पहन लो, दैट इज द ग्रेजुअल 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 अप्रोच। तो मुझे समस्या दिख रही है तो पहले मैं अपने घर में सुलझाऊंगा ना, फिर साथ वाले घर में जाऊंगा। ये गुजरे हुए संडे को मैं न्यू दिल्ली में पीपल फार्म के एक एजुकेशनल इवेंट में था। इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे रॉबिन सिंह, पीपल फार्म के को-फाउंडर। ये बिना माँ का बच्चू हमारे पास कुछ दिन पहले आया, हम इसको बाजार से लेके दूध पिला रहे हैं। इसका नाम हमने वीगनिश रखा है क्योंकि ये मजबूरी में किसी और की माँ का दूध पी रहा है। आज जो जानवरों के साथ बुरा है वो कल इंसानों के साथ अच्छा तो नहीं होगा। जो आज कुत्तों को पत्थर मारता है, गाय को डंडा मारता है या भूखे जानवर को खाना देने वाले से लड़ता है, उसका भी किसी बड़े क्रिमिनल की तरह ही समाज से बहिष्कार होना चाहिए। रॉबिन एनिमल रेस्क्यू एनिमल क्रूएल्टी वीगनिज्म मिनिमलिज्म और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अवेयरनेस बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में हम रॉबिन जैसे 100 लोग तैयार कर ले तो हम वीगनिज्म से लाए गए सोसाइटल और क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स के बारे में दिन रात बात कर पाएंगे। देखिए, हमारा हर एक व्यवहार बच्चों के लिए शिक्षा का एक बीज है, और अगर हम बबूल बोएंगे तो हम आम तो नहीं खाएंगे। तो आइए हम भी रॉबिन जैसे बनने की कोशिश करते हैं। रॉबिन क्या, सीधा बैटमैन बनने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटी शुड गेट द हीरोज इट नीड्स, नॉट द हीरोज इट डिजर्व्स।